Hello everyone, welcome to our channel Whiteboard Education. So in this video we are going to solve question number 2 and question number 3 of exercise 5.1. For question number 1, just go and check my previous video. There we have solved question number 1 with detailed explanation. So please go and check that video so that you will understand the basic concept of arithmetic progression. So here let's start with the question number 2. So friend, this is our question number 2. In this question, we have to write the first four terms of the AP, where first term is given and D, I have already told you what is D, is the common difference दिया हुआ है, ठीक है। और हमें पता है कि arithmetic progression की जब हम बात करते हैं तो जो भी हमारी first term होती है उसमें हमें वो common difference अगर हम add करेंगे तो हमें बाकी की term अपने आप मिलती जाएंगी। तो जो भी प्रेसिडिंग टर्म है उसमें आप क्या ऐड करते जाओगे, कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओगे, तो आपको जितनी भी टर्म्स निकालनी है वो आपको इजीली मिल जाएंगे। तो बस इसी कंसेप्ट पे बेस हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। तो ए हमें दिया हुआ है, यानी कि हमें फर्स्ट टर्म दी हुई है, तो हमें बाकी की फोर टर्म्स निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे, राइट। मतलब फर्स्ट फोर टर्म बोली है तो ए इज 10, ओके। तो फर्स्ट टर्म अगर मैं निकालू, फर्स्ट फोर टर्म है ना, तो फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है, बट अकॉर्डिंग टू दिस की फर्स्ट फोर टर्म, मतलब इसके बाद की जो फर्स्ट फोर टर्म है वो निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म यू नो उसमें कॉमन डिफरेंस मैं ऐड करूंगी, यानी कि डी ऐड करूंगी, यानी कि 10 + 10 = 20, राइट। अब जो भी हमारा टर्म आई है उसमें मैं फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगी। यू नो द डेफिनेशन, बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू दैट प्रेसिडिंग टर्म, यानी कि जो उसके पहले वाली टर्म है मैं उसमें ऐड करूंगी। तो उसके अभी जो मेरी टर्म आने वाली है उसके पहले वाली टर्म क्या होगी, 20 होगी। तो मुझे इसी में ही वापस कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो सेकेंड टर्म मेरी कैसे निकलेगी, द सेम मैनर आई विल राइट डाउन द सेकेंड टर्म, 20 + D, दैट इज 20 + 10 = 30। थर्ड टर्म 30 + D, दैट इज 30 + 10 = 40। एंड फोर्थ टर्म सिंपल 40 + D, यानी कि मैंने सब में क्या ऐड किया, कॉमन डिफरेंस ऐड किया, तो 40 + 10 = 50। सो हेयर आर आवर फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी आफ्टर दिस टर्म, ओके। समझ में आ गया होगा। अब मेरे को पूरा मैं करके नहीं बताऊंगी, अब मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करके बताती हूँ सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। नाउ हियर -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 0। तो फॉर फर्स्ट टर्म -2 + 0, अभी किसी भी नंबर में अगर आप 0 ऐड करोगे तो वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, तो -2। सेकेंड टर्म के लिए भी -2 + 0 -2। थर्ड टर्म के लिए भी -2 + 0 -2। एंड फोर्थ टर्म के लिए भी -2 + 0 विल बी -2। इजी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिस इज आवर थर्ड क्वेश्चन। अभी देखो सब में पॉजिटिव थर्ड डिफरेंस, ठीक है, बट यहाँ पर अभी डिफरेंस क्या है, नेगेटिव है। तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बोला था ऐड करना है, ठीक है। तो कैसे कह रहे हैं, 4 में मैं क्या ऐड करूंगी, कॉमन डिफरेंस यानी कि -3, 4 ± -1, ओके। फॉर सेकेंड टर्म जो आंसर आया इसी में मुझे -3 ऐड करना है, तो ऐड क्या करना है, -3, यानी कि ±, व्हाट विल आई गेट, -2। चलिए थर्ड टर्म -2 + -3, यानी कि -2 + -, यानी कि -5। एंड फोर्थ टर्म विल बी -5 + -3 - 5 + -3, इट विल बी -8। ऐड करना है ना, तो हमने ऐड ही किया, किसको ऐड किया है, -3 को ऐड किया। और ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है, तो आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो फास्टली लेट्स मूव ऑन द फोर्थ क्वेश्चन। हियर द फर्स्ट टर्म दे हैव गिवन -1। अब इस -1 में मुझे क्या ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस जो कि है 1/2। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। सो फर्स्ट टर्म -1 + 1/2, ओके।
क्या आएगा, टू प्लस यानी कि माइनस वन बाय टू। ओके, ये तो मेरा फर्स्ट टर्म निकला है। अभी मुझे इस ही में माइनस वन बाय टू में ऐड करना है क्या, प्लस वन बाय टू। ऑब्वियसली इट्स जीरो, वन बाय टू प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा जीरो। थर्ड टर्म जीरो में मुझे ऐड करना है वन बाय टू, तो जीरो में अगर मैं वन बाय टू ऐड करूंगी तो ऑब्वियसली इट विल बी वन बाय टू ओनली। फोर्थ टर्म वन बाय टू प्लस वन बाय टू, हाफ प्लस हाफ वन। ओके, तो आप सिंपली लिख सकते हो टू बाय टू, तो वो वन ही आएगा ना, अगर आप करोगे तो विल बी वन ओनली। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर फोर। जल्दी से क्वेश्चन नंबर फाइव भी देख लेते हैं, पॉइंट फाइव सॉरी। तो हियर फर्स्ट टर्म कैसे आएगी हमारी, माइनस 1.25 में मुझे ऐड करना है क्या, माइनस 0.25, माइनस 0.25 को ऐड करना है, यानी कि माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। तो क्या आंसर आएगा, 1.25 में से मैं 0.25 हटा दूंगी, सॉरी माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएगा। तो जब प्लस होगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस 1.50। अब सेकेंड टर्म के लिए माइनस 1.50 में मुझे ऐड करना है क्या, माइनस 0.25 यानी कि माइनस 1.50 प्लस माइनस माइनस 0.25। तो सिंपली आंसर क्या आएगा मेरा, माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस 1.75। ओके, हम बस 0.25 को माइनस कर रहे हैं, किसमें से, 1.25 में से ऐड कर रहे हैं, माइनस 0.25 को ऐड कर रहे हैं हम माइनस 1.25 में, तो ये आ गया 1.75। लेट्स फाइंड आउट द थर्ड टर्म फास्ट। हियर वी हैव माइनस 1.75, इसमें मुझे ऐड करना है माइनस 0.25, तो माइनस 1.75 प्लस माइनस माइनस 0.25, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस 2.00। नाउ फॉर फोर्थ टर्म, फॉर फोर्थ टर्म अगेन इट इज माइनस 2.00 एंड वी हैव टू ऐड माइनस 0.25 इन दिस टर्म। सो हियर आई एम नॉट गोना सॉल्व इट, दिस इज योर होमवर्क एंड यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर टू। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर थ्री फास्ट। So friends, this is our question number 3, and in this question they have asked for the following ABs, we have to write the first term and the common difference. So it is already been given ki they are in the form of AB. So hame common difference easily pata chal jayega kyunki ye pehle se AP ke form hai, to aapko har ek ko bar bar minus karke nahi dekhna hai, kyunki agar AP hai to means sabka difference already common hoga. To agar hum first two values yani ki do consecutive values ko bhi agar सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे और जो भी उनका डिफरेंस आएगा वही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। सो फर्स्ट टर्म, जो भी नंबर होता है हमारा वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। तो यस फर्स्ट टर्म, और हमने फर्स्ट टर्म को ए माना था, तो फर्स्ट टर्म विल बी हियर 3 एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इसको हम डी से डिनोट करते हैं, इट विल बी 1 माइनस 3। क्या होता है, ए 2 माइनस ए 1 है ना, ए 2 माइनस ए 1 यानी कि 1 माइनस 3, सो इट विल बी माइनस 2 यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी 3 है एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, माइनस 2। बस इतना ही करना था। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 फास्ट। इन दिस फर्स्ट टर्म, अब मैं सिर्फ ए एंड डी करके लिखूंगी बिकॉज यहाँ पर आई ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज
first term and what is common difference. So here a is minus 5 and b will be minus 1 minus minus 5. That will be minus 1 minus minus plus 5 yani ki 4. So yahan par common difference kya aa gaya hamara 4. Let's see this. Here first term is 1 by 3 and the common difference is a 2 minus a 1 yani ki 5 by 3 minus 1 by 3. It will be 4 by 3. So this is the common difference. Here question number 4. First term is 0.6 and the common difference is 1 minus 7 minus 0.6 and the answer is 1.1. I hope this is very much clear to you all. So here this is all about question number 3 and question number 4. I hope you understood this. It is very much easy based on the concept of arithmetic progression that I have already explained in you, to you in the previous video. So go and check that video fast. Till then, keep practicing.